हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 17th of June 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु चेयर्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन 2022। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी, विच इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो इन्होंने इस चीज़ को किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी है 2022 का। एंड इसके अलावा ये कहाँ पे हुआ था? एट HPCA, इट्स हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ओके, धर्मशाला में। और धर्मशाला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो यहाँ पे ये हुआ था। और ये किस चीज़ के लिए हुआ था? फॉर गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर चैलेंजेस, स्पेशली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर, इंटरवेंशन एंड फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेंटर एंड स्टेट के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको अच्छे तरीके से पार्टनर, मतलब उनके बीच में जो पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने में और उसको स्ट्रेंथन करने में, इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसका रोल। साथ ही में जो हमारी जो ये सरकार है बीजेपी की, उस सरकार के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस या फिर पॉलिसी लेके आया हुआ है और जो अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको साथ में इकोनॉमी ग्रोथ को, जो कि अभी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, अभी हाईएस्ट मतलब होलसेल में 15.99% चला गया। ओके, इसके अलावा जॉब्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस चीज़ को यहाँ पे करना है और आप अमृत काल भी बोल सकते हो। ओके, आफ्टर 15th of August हो जाएगा शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू डेवलप अ वे फाइंडिंग एप्लीकेशन फॉर द यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज सी, विच इज इंडिया। तो इंडिया जो है वहाँ यहाँ पे एक एप्लीकेशन डेवलप करने वाला है जिसके थ्रू, देखो यहाँ पे क्या है ना, मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा इस एप्लीकेशन के ऊपर। देखो यूएनओ का जो बिल्डिंग है वो 5 अलग अलग बिल्डिंग्स पर डिवाइड किया हुआ है। ओके, एंड इसमें क्या है ना कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और हर दिन यहाँ पे हज़ारों में यहाँ पे डेलीगेट्स आते हैं, लाइक लार्ज नंबर ऑफ डेलीगेट्स मेंबर्स और सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स यहाँ पे या फिर जनरल पब्लिक जो है वो यहाँ पे आती है। तो क्या है कि उनको नेविगेट करने के लिए या फिर उनको ट्रैक करने के लिए कि वो कहाँ पे है, या फिर जो पर्टिकुलर यहाँ पे पर्सन आएगा इसको बताने के लिए कि भाई हाँ ये जो ऑफिस है आपको यहाँ से ऐसे घूम घूम कर यहाँ पहुँचना है, तो इस पर्टिकुलर नेविगेशन के लिए इस यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ओके, एंड यहाँ पे GPS लगेगा। ओके, GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी अभी आप लोग याद रखिएगा, ये कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन किसी भी नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो GPS के थ्रू यहाँ पे लोगों को ट्रैक किया जाएगा कि भाई जहाँ पे आप जा रहे हो किसी भी प्रीमाइसिस में उसका रास्ता आपको पता है कि नहीं है, तो उस एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पे इंडिया को $2 million खर्च होगा बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग साथ में इसको मेंटेनेंस में, इस एप्लीकेशन को किसी भी एप्लीकेशन को मेंटेन करने में टाइम ना तो पैसा वैसा भी लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो उसमें भी यहाँ पे। साथ में यूएनओ की बात करें यहाँ पे, इट्स 1945 में ये बना था। इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और इसमें 193 मेंबर्स हैं अभी तक का हाईएस्ट, एक हाईएस्ट ऐसा ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइंट हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन द 5G स्पेक्ट्रम विल बी ऑक्शन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज सी, विच इज 20। तो यहाँ पे जो 5G की जो सर्विसेज आएंगी उनको जो ऑक्शन जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो बेसिकली 20 सालों के लिए मिलेगा। ओके, और उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो 5G सर्विस है वो देखो यहाँ पे जो 4G है ना, इसको अगर हम इंटू 10 करेंगे तो ये 5G बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्पीड रहेगा वो जो स्पीड रहेगा 5G का वो 10 टाइम ज़्यादा रहेगा 4G से। ओवर 72 GHz स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पे ऑक्शन किया जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 3 यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि लाइक जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, IPS सर्विस, ISP जो बोल जिसको बोलते हैं सॉरी, तो यहाँ पे कौन कौन है? जियो है, एयरटेल है और आइडिया वोडाफोन है। ओके, ये तीनों दोनों मर्ज हो गए इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को साथ में नाम लिया। तो यहाँ पे 3 है, तो इन तीनों में ही क्या पता तीनों को मिल जाए या फिर अलग अलग। और यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि भाई जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुली जो 5G सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा उसी को यहाँ पे मिलने वाला है और वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने वाला। ओके, लाइक आपने पहले किस तरीके से काम किया इन सब चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री आर द मेंबर ऑफ द रिसेंटली फॉर्मड I2U2 ग्रुप। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज सी, विच इज इंडिया, इज़राइल, USA एंड UAE। इन सब के जो हेड हैं यहाँ पे आके यहाँ पे इन्होंने वर्चुअल टॉक किया और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने टॉक किया। ओके, किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कस होने वाला है? तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है दो चीज़ों के ऊपर। पहला है फूड सिक्योरिटी एंड देयर सप्लाई एंड शॉर्टेज वगैरह ना हो इन सब चीज़ों के ऊपर। एंड दूसरा यहाँ पे बोल दिया था अदर एरिया ऑफ कॉरपोरेशन। ओके, कॉरपोरेटिव, तो यहाँ पे बता दिया कि भाई आप अलग, इसके अलावा मतलब फूड सिक्योरिटी के अलावा और भी हमारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने उसको अच्छे तरीके से एलैबोरेट नहीं किया। तो बेसिकली बायलेटरल ट्रेड साथ में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के ऊपर सिंपल यहाँ पे आज दूसरे आर्टिकल से मुझे मिला तो उसमें यहाँ पे दिया हुआ था। ओके,
आप लोग याद रखिएगा ये, और ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लोकेशन ऑफ द बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। तो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज सी विच इज कोलंबो। तो कोलंबो कहाँ पे? श्रीलंका में। ओके, श्रीलंका की तो लंका लग चुकी है, एंड फिर भी वहाँ पे हम बना रहे था कि उनको भी थोड़ा फायदा मिल जाए। ये फिफ्थ बिम्स्टेक का यहाँ पे समिट हुआ था, एंड यहाँ पे बोला गया कि भाई ठीक है हम लोग कोलंबो में, और कोलंबो में ही हुआ था ये फिफ्थ, यहाँ पे हुआ है कोलंबो में हुआ है, और ये मार्च 30 को हुआ था। ओके, थोड़ा पुराना नहीं, वो दो दो 3 4 महीना पुराना हो गया। तो यहाँ पे हुआ था मार्च 30 में कोलंबो में। ओके, और यहाँ पे भी बात कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। तो सेंटर तो कोलंबो में बन गया। तो बेसिकली यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक, एग्रीकल्चरल टेक, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे फार्मा टेक, मतलब फार्मेसी टेक्नोलॉजी। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात हुआ। एक और यहाँ पे छूट गया, इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात होती है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म सबको पता होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, काफ़ी ईजी है। 7 इसमें मेंबर्स हैं, और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनेगा वो 7ों मेंबर्स में इक्वली बटेगा। ठीक है, केक कटेगा इन सब में बटेगा, इस तरीके का सीन यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉलरशिप फॉर पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम वॉज लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री। राइट आंसर ऑफ सिक्स इज सी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो 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 बच्चे थे यहाँ पे, जो कि कोविड-19 के टाइम पे जो अनाथ हो गए थे, उनके लिए यहाँ पे बोला गया, और साथ में बोला कि भाई कुछ 4,000 स्टूडेंट्स हैं या फिर 4,000 बच्चे हैं जिनको ये स्कीम के तहत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, जिन्होंने अपने पैंडेमिक के टाइम पे अपने माता पिता को खो दिया था। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है, क्लास 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया, आगे इसका काम क्या है बताता हूँ। 20,000 रुपये पर चाइल्ड यहाँ पे मिलने वाला है हर साल एनुअली। इसके अलावा 1,000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 20,000 के अलावा, साथ में यहाँ पे 8,000 रुपये और मिलेंगे फॉर एनुअल अकेडमिक अलाउंस, यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए, जिसके अंदर स्कूल की फीस आ जाएगी, मतलब या स्कूल फी, बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज़ एंड अदर एजुकेशनल इक्विपमेंट्स। ओके, ये सारे यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। साथ में यहाँ पे लाइक 4,000 मैंने बता दिया आपको, और ये वन फर्स्ट क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक मिलेगा बिना किसी चीज़ के। ओके, बस कंडीशन ये है कि आपने पेंडेमिक के टाइम पे अपने माता पिता खो दिया। तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा और यहाँ पे पैसे बढ़ा देने चाहिए थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ 4,000 नहीं है, 4,000 से ज़्यादा है। ओके, इट्स नॉट कि 4,000 ही ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑन पेपर 4,000 दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइस बोर्ड साइंड विथ विच कंपनी टू इनेबल मार्केट्स एक्सेस टू फार्मर्स। राइट आंसर ऑफ 7 इज ए विच इज फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जो है वो इंडिया में ही सिर्फ अपने जो मतलब सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे इन्होंने मतलब बोला है कि भाई जितना भी MSME का है या फिर जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, इसके अलावा आर्टिशंस, एंटरप्रेन्योर एंड रूलर सेलर, इन सब के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसका नाम फ्लिपकार्ट है, जो कि पहले से ही यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी इन्हेंस रहेगा और हेल्प करेगा किनको, फार्मर्स को, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स स्पेशली इन स्पाइसेज, यानी कि मसालों के, मतलब मसालों वाले चीज़ों में और होने वाला। ओके, और ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे, मतलब ग्रास रूट मतलब कि एकदम डीप जाके यहाँ पे हेल्प होने वाली है। तो काफ़ी सही है, कभी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बढ़िया तरीके से किया है। स्पेशली यहाँ पे बोला है स्पाइस सेक्टर, याद रखिएगा स्पाइस बोर्ड ने स्पाइस सेक्टर के लिए अपना इनिशिएटिव उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नमेंट। राइट आंसर ऑफ 8 इज बी विच इज किरण बेदी। तो किरण बेदी जो थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी थी पुडुचेरी की, और साथ में उन्होंने 40 ईयर्स अपना कंप्लीट किया था एज अ IPS ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। ओके, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर किताब में लिखा हुआ है पूरा अपना एक्सपीरियंस। ओके, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ नाम और किसने लिखा है ऑथर वो आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन डिप्लोमैट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ UN चीफ इनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी। राइट आंसर ऑफ 9 इज ए विच इज अमनदीप सिंह गिल। तो ये एक सीनियर इंडियन डिप्लोमैट है, और UN के सेक्रेटरी जनरल, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इनको अपॉइंट किया, एंड अभी ये टेक्नोलॉजी टू कोऑर्डिनेट प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल डिजिटल कॉरपोरेशन, यानी कि UN में यहाँ पे काम कर रहे हैं फॉर टेक्नोलॉजी पर्पस। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, इंडियंस को यहाँ पे सही तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ डोलेरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राइट आंसर ऑफ 10 इज बी विच इज गुजरात। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है वो गुजरात में है, और यहाँ पे एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है 1,305 करोड़ रुपए के लागत से। ओके, और ये 2025 में यहाँ पे 2025 से लेकर 26 तक बोला गया कि भाई कंप्लीट होके शुरू हो जाएगा। साथ में यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया कि भाई ये जो है ये मेजर कार्गो हब बन जाएगा, जो कि इंडस्ट्रियल रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कार्गो मतलब कि भाई जिसमें मतलब काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, और उन कंटेनर्स में गुड्स होते हैं, मतलब कि सही काम की चीज़ें होती हैं, और मतलब काम लायक चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें हर तरह की चीज़ें आ सकती हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन आ गया, कार्स आ गई, तो इन सब चीज़ों के लिए। साथ में यहाँ पे
बोला गया कि 3 लाख पैसेंजर जो है वो पर ईयर ट्रैवल करने वाले हैं, और अगर देखा जाए तो 20 साल के बाद ये 23 लाख पहुंच जाएगा, लाइक आफ्टर 20 ईयर्स ये 23 लाख यहाँ पे पहुंच जाएगा। और सेम विथ कार्गो, यहाँ पे बोला गया कि लाइक अराउंड 1000 टन जो है वो कार्गो हर साल यहाँ पे मतलब आदान प्रदान होगा, और उसके बाद 20 साल के बाद आई थिंक 15 या 23 ऐसी कुछ इन्होंने भी आंकड़ा दिया होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको नाम वगैरह आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज ICC ODI रैंकिंग। राइट आंसर ऑफ 11 से सी विच इज न्यूजीलैंड। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड ने टॉप किया नंबर 1 पे, और नंबर 5th पे यहाँ पे इंडिया का है। यहाँ पे कुछ अलग अलग रेटिंग्स भी मिलती हैं, तो न्यूजीलैंड का रेटिंग आपसे पूछा जाएगा 125 है, इंडिया का आप लोग फाइंड आउट करो क्या। ठीक है, इंडिया 5th पोजिशन पे है किसमें, ICC ODI रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। राइट आंसर ऑफ 12th इज सी विच इज केरला, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। ओके, तो ये बेसिकली जो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट है ये पर्टिकुलर व्हीकल्स के लिए है, जैसे कैब हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे जो ड्राइवर होगा उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो पीछे पैसेंजर होगा उसके लिए भी बेनिफिशियल है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस दिया हुआ है। ओके, जो कि GPS या वगैरह कनेक्टेड है, एंड इसके थ्रू हम लोग व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने बनाया, और इसके थ्रू हम लोग पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी व्हीकल जो है वो अगर ओवर स्पीड यहाँ पे करता है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इसके इसके पास जाएगा, और यहाँ से ये SMS भेजेगा और ईमेल भी भेजेगा किसके ऊपर, रजिस्टर्ड मोबाइल के नंबर ऊपर जो कि इस पर्टिकुलर व्हीकल से रजिस्टर्ड होगा, और ये ओनर के पास जाएगा, और ओनर को पता चल जाएगा कि भाई हम लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। और जो पैसेंजर होगा इसको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, लाइक लेट्स सपोज कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो भी इसके थ्रू इन्फॉर्म कर सकता है, और फिर इसकी लंका लग सकती है। तो यहाँ पे दोनों पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए यहाँ पे हेल्पफुल है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। ओके, केरला ने यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ अपेडा ऑर्गेनाइज एंड 8-day मैंगो फेस्टिवल रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 13th इज ए विच इज बहरीन। यहाँ पे अपेडा का मतलब क्या होता है, इट्स एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, यहाँ पे इसका मतलब हुआ फुल फॉर्म ही हुआ। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंगोज़ की बात कर रहे हैं, तो ये एक मेजर बूस्ट मिला किसको, मैंगोज़ के लिए। ओके, मेजर बूस्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर मैंगोज़। ओके, एंड यहाँ पे 34 डिफरेंट वैराइटीज़ गई थी मैंगो की, 34 वैराइटीज ऑफ मैंगो फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, UP एंड ओरिसा। यहाँ पर जो इनके जो सुपर मार्केट्स लगते हैं या फिर मॉल्स हैं, वहाँ पे हमारे इंडिया के मैंगोज़ गए, और वहाँ पे इट्स लाइक कि शोकेस किया गया, रखा गया, एंड इवन सेल आउट भी किया गया, जिसके कारण जो इंडिया के जो मैंगो इंडस्ट्री है उसको काफ़ी अच्छा खासा बूस्टअप मिला, और हमारी तरफ से अब मैंगो हर बार बहरीन जाएगा, क्योंकि बहरीन जो मैंगो है उसको उगने के लिए फिर ग्रो करने के लिए जो अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए वो इंडिया के पास काफ़ी अच्छे तरीके से। बहरीन इज़ लाइक भाई पूरा वहाँ रेत ही रहता, तो वहाँ मैंगो तो छोड़ो कोई ढंग से प्लांट नहीं उगता, इसलिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट हैज़ क्लोज्ड इट्स वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। राइट आंसर ऑफ 14 इज बी विच इज 27th। ओके, ईयर्स 27 ईयर्स। ओके, यहाँ पे ये रिलीज़ हुआ था 1995 में, और कह सकते हो कि ये विंडो 95 के साथ प्री इंस्टॉल्ड आया था, और उसके बाद एक टाइम आया था 2003 में जब जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको 95% ऑफ लोग जो है वो यूज़ करते थे, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आ गए, मतलब ब्राउजर्स की पूरी मतलब मार्केट में, जहाँ पे काफ़ी मतलब वहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक यहाँ पे किया, लाइक इंट्रोड्यूस किया, लाइक बेटर इंटरफेस, बेटर यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हो, फास्ट इंटरनेट स्पीड, स्मूथ परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह दूसरे अदर अलग वेब ब्राउज़र को चूज़ किया, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स, इसके अलावा था हमारा अभी का क्रोम, तो इन सब चीज़ों को लोगों ने काफ़ी प्रेफर किया, साथ में गूगल था भाई टक्कर देने वाला पूरा यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे लाइक प्रेफर डाला, एंड जस्ट बिकॉज कि भाई जो मार्केट था वो काफ़ी कॉम्पिटिटर हो गया, इसको बेचारे को हटना पड़ा, और अभी ये रिटायर हो चुका है। ओके, आफ्टर 27 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। राइट आंसर ऑफ 15 से सी विच इज़ डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पे नंबर 1 पे आया है, और इंडिया जो है यहाँ पे 37 आया, इससे पहले पुराना इसका जो था वो 43 था, तो अभी हमने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो रैंक है वो गेन किया है, किसमें, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में, बिकॉज ऑफ हमने इकोनॉमी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा किया, हमने इन्वेस्टमेंट किया प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो अप किया है, जैसे कि आप ड्रोन सेक्टर कह सकते हो, तो काफ़ी हमने अच्छा खासा इस पर इन्वेस्टमेंट किया, और काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। इसके अलावा हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, बिजनेस मैनेजमेंट भी हमारा सही हो गया, और स्पेस जो स्पेस सेक्टर है वो भी बूस्टअप किया काफ़ी अच्छे तरीके से। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19 यहाँ पे हर चीज़ में प्रॉब्लम आया हुआ है। ओके, अदरवाइज वी आर बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ एशियाज लॉन्गेस्ट टूथ एलिफेंट बुगेश्वर पास्ड अवे रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 16 इज डी विच इज कर्नाटका। तो ये 60 ईयर ओल्ड था, यही आप समझ सकते हो कि भाई हमने 60 ईयर ओल्ड तक
मतलब एक एलिफेंट को सही तरीके से रखा, जिसका जो टूथ था वो पर्टिकुलरली 2.54 मीटर एक वाला और दूसरा 2.34 मीटर, इतना बड़ा इसका मतलब जो टस्क बोलते हैं इसको, इतना बड़ा था कि भाई इसका ज़मीन पर टच होता था, जो लैंड है यहाँ पे लाइक एलिफेंट है, इसके जो दांत है वो यहाँ पे टच होता था। तो इसके वजह से यहाँ पे काफ़ी इसको मतलब बोला गया कि भाई बढ़िया बात है, और जिसको डेथ थी वो नेचुरल कॉज से हुई है, लाइक ऐसा नहीं था कि भाई किसी ने इसको हंट किया और उसकी वजह से ये मर गया। तमिलनाडु में कहाँ पर? इट्स बैंडीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटका में। ओके, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। एंड इसका जो था वो काफ़ी मतलब कि जो ये जो पर्टिकुलर एलिफेंट है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जेंटल टेम्परमेंट का था, मतलब बहुत ही नॉर्मल था। ओके, मतलब काफ़ी सही तरीके से लोगों से घुलना मिलना इसका बना रहता था, और हमारे लोगों ने इसको इतना टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखा, ये काफ़ी एक बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बिल्ड एन ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन कोलेबोरेशन विथ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, राइट आंसर ऑफ 17 से सी विच दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम बनाएंगे अपना, और यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने की हम लोग एक फैसिलिटी बनाएंगे, जिसके अंदर 1000 लीटर्स ऑफ सॉरी जो ऑक्सीजन है वो हर एक मिनट में बनेगा, पर मिनट में 1000 लीटर। इसके थ्रू हम लोग 750 हॉस्पिटल्स में जो बेड हैं उनको हम लोग इजीली कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में। और ये कैसे बनेगा? PSA के द्वारा। इट्स प्रेशर स्विंग एस्ट्रोफिशन। ओके, आप लोग सर्च कर लेना, यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो उसकी वजह से मैं आगे बताया नहीं कहाँ पे है। इट्स GB Pant हॉस्पिटल दिल्ली में, अगर आप जानते हो तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हो, और UNDP के थ्रू यहाँ पे मदद से बनाया गया था। UNDP काफ़ी अच्छा काम करता है इन सब चीज़ों में। और ये भी है कि जो यहाँ पे जो हेड्स इनके आए थे, हम मतलब जो दिल्ली में जो इन्होंने बनाया था COVID-19 सेंटर फॉर पेशेंट्स, तो उन सब के लिए भी उन्होंने पूरा मतलब एक हॉस्पिटल बना रखा था, तो उसको भी उन्होंने विजिट किया था। काफ़ी सराहना भी दिया इन्होंने कि भाई आपने काफ़ी अच्छा काम किया हेल्थ सेक्टर में, और दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम करती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग हाउ मेनी मीटर ऑफ जैवलिन। राइट आंसर ऑफ 18 इज डी विच इज 89.30। तो इससे पहले इनका जो पहला रिकॉर्ड था वो 87.58 था, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने गेन किया था, और अभी का क्या है? इट्स 89.30। इन्होंने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया फिनलैंड में जाकर के, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली होस्ट 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट। राइट आंसर ऑफ 19 इज ए विच इज इजिप्ट। तो इजिप्ट ने बोला कि भाई हम जो हैं यहाँ पे यंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियंस हम लोग करेंगे, और यहाँ पे जितने भी यंग पीपल थे जो कि MP होंगे या MLA होंगे उनको यहाँ पे बुला, स्पेशली MP को यहाँ पे हमने बुलाया था। ओके, इंडिया से 3 लोग गए थे, और यहाँ पे एक नाम आपको याद रखना है, S लिख देते हैं हम यहाँ पे, S पैंगोंग। ये नागालैंड से फर्स्ट वुमेन हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, तो इसको यहाँ पे बोला गया। साथ में इनके अलावा 3 और हैं। ओके, आप उनके दो बाकी सॉरी इनके अलावा 2 और हैं। ओके, इनके अलावा जो हैं वो 2 और हैं, आप तो टोटल यहाँ पे 3 कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने एक और भी हमें मतलब किस लिए हुआ था वो हम लोग जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इनके ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। इन्होंने एक और चीज़ बताया कि भाई पूरी दुनिया में ना 35,177 पार्लियामेंट सीट्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2.66% ही हैं जो कि हमारे यंग MPs लीड मतलब वहाँ पे सीट पे बैठे हुए हैं। तो बोला कि भाई काफ़ी कंसर्न वाली बात है, आप ऑलमोस्ट 50% करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन स्वॉन एज इन द लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 20 इज सी विच इज BS पाटिल। इससे ये BS पाटिल जो हैं वो जस्टिस रह चुके हैं, जज रह चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, और इस इनका साथ में इससे पहले ये जो थे वो उप लोकायुक्त थे। एंड लोकायुक्त क्या करता है? बेसिकली जो जितना भी करप्शन है इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है स्टेट लेवल के ऊपर। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त के बारे में आप डेफिनेटली एक अच्छा आर्टिकल पढ़ लो, और आप इनके बारे में भी जान सकते हो। काफ़ी बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट बंदा है ये, बहुत ज़्यादा मतलब कि यार फैन बन जाओगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।